दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल MLTP स्टडी पॉइंट 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जो हमारे होने वाली है वो सैलरी पे होने वाली है। ग्रुप डी कर्मचारियों को जो है सैलरी के रूप में पहले माह से कितना दिया जाएगा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जो हम लोग जो है अब ग्रुप डी में जाने वाले हैं, बहुत लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, वो ज्वाइन भी कर लिए होंगे और बहुत लोगों को नहीं मिला हो, जो एक आध महीने में सभी लोगों को मिल जाएगा। तो उसके बाद जो पहला हमारा रहता है कि जो भाई काम तो करने जा रहे हैं, फिर उसके एवज में हमें सैलरी कितना मिलेगा, तो उसी चीज सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारा लगभग 4 साल हो गया है ग्रुप डी में ज्वाइन किया हुआ है, तो उसके बाद जो है हमारा सैलरी कितना बन रहा है। हमारा पोस्ट जो है पॉइंट्समैन भी है, तो उसके बाद 4 साल के बाद जो है हमारा सैलरी कितना मिल रहा है, और जो नए लोग होंगे जो पॉइंट्समैन भी होंगे तो उनको जो है अभी सैलरी कितना मिलेगा और कितना कटेगा, बाकी सब चीज़ों पर जो है चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, सारी जानकारी जो आपको मिल जाएगी। मई का जो है सैलरी स्लिप है जो आप लोग को दिखा रहे हैं। नाम तो आप लोग जानते ही हैं, बिरजू कुमार है, डिजिग्नेशन पॉइंट्समैन भी है और डिपार्टमेंट जो है ऑपरेटिंग है और स्टेशन हमारा नगर उठारी है। बाकी सब जो है ये कार्य दिवस आप लोग देख लीजिए, कार्य दिवस 31 दिन हो गया, ठीक है, और 31 क्योंकि 31 महीना रहता है, तो 31 के 31 दिन हम काम किए थे, एबसेंट उबसेंट ना हुए थे, तो इसलिए जो है कार्य जो है 31 दिन पूरा रहा। और मेरा ग्रॉस पे टोटल कितना बना, 31,594, और इसमें हम बताएंगे कि डिडक्शन कितना हुआ और कितना हमें मिला। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं बेसिक हमारा जो है 19,700 है, यानी 3 इंक्रीमेंट जो है लग चुका है, अब चौथा जो है ये जुलाई में लगेगा। और डियरनेस अलाउंस जो है 42% है, 42% है, तो 8,274 रुपया जो है हमारा डियरनेस अलाउंस हो गया। और उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 1,278 रुपया मिलता है। और उसके बाद नाइट ड्यूटी हमारा 14 घंटा था नाइट ड्यूटी, तो 1958 यानी 1 घंटा का मिलता है, 139.2 समथिंग 11 मिलता है, तो 1958 रुपया हो। और नेशनल हॉलीडे यानी कि नेशनल हॉलीडे का मतलब अगर NH रहेगा उस दिन, अगर आप रेलवे में ड्यूटी करते हैं तो आपको एक दिन, ग्रुप डी विभाग की बात करें तो एक दिन का जो है 384 रुपया आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। जो काम करते हैं वो तो है ही, बाकी एक्स्ट्रा जो है 384, मेरा एक NH था तो एक 384 रुपया जो है एक्स्ट्रा बना था। अब देखिए, अब इसमें टोटल कटौतियाँ कितना हुआ है, तो कटौतियाँ जो हो गया है हमारा 3,379 रुपया। क्या क्या हुआ है वो आप लोग को दिखा दें। तो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी जो है इसमें 30 रुपया कट जाता है, और न्यू पेंशन यानी NPS जो है हमारा वो कट जाता है 2,797 रुपया। और ये हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज हो गया, ये 352 रुपया कट जाता है। हम रेलवे के द्वारा दिए गए क्वार्टर में रहते हैं, तो ये सब जो है हमारा रेलवे एनर्जी चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज जो है वो कट जा रहा है 352 रुपया। और हाउस रेंट हमारा 160 रुपया कट रहा है, वाटर चार्जेस 10 रुपया, और धनबाद मंडल रेलकर्मी आपदा प्रबंधन कोष में हुए 30 रुपया कटता है। तो टोटल जो हमारा 3,379 रुपया कट जाता है। जो हमारे अकाउंट में जो आया वो कितना आया वो आप लोग को दिखा देते हैं। 28,215 रुपया हमारा कट खुट के जो है अकाउंट में आ गया। अब आप लोग को ये बताएंगे कि आप लोग को जो है कितना मिलेगा न्यू अगर ज्वाइन करते हैं तब। तब देखिए, आप लोग न्यू ग्रुप डी वाले हैं तो आपको वो बेसिक कितना होगा, बेसिक हो जाएगा आपका 18,000, ठीक है, बेसिक आपका जो है वो हो जाएगा 18,000 बेसिक हो गया, 18,000 बेसिक हो गया। और DA आप जानते हैं, DA हो जाएगा 42%, तो कितना हो जाएगा 7,560 रुपया, 18,000 का निकालेगा तो 7,560 रुपया। और आप लोग को एक TA मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस जो है आप लोग को, शुरुआत में हम लोग को भी 1,053 मिलता था, तो थोड़ा बहुत बढ़ा हो तो मान के चलिए आपको 1,053 अगर मान के चलिए मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस 1,000, शुरुआत में हम लोग को भी इतना ही मिला था 1,053, ठीक है, तो शुरू में तो कटता नहीं है। तो अभी आप लोग को टोटल जो है वेतन के रूप में कितना मिलेगा, वेतन के रूप में तो तीनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 26,613 रुपया जो है आप लोग को अभी मिलेगा, ज्वाइनिंग करिएगा तब। और जो भी ट्रैकमैन वाले होंगे, ट्रैकमैन तो उनका जो है वेतन में 2,700 रुपया अलाउंस, जो रिस्क अलाउंस होता है वो आपका इंक्लूड इसमें हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि 3,000 इंक्लूड यानी कि 29,000 के आसपास जो है
जो ट्रैक में ज्वाइन करेंगे उनका वेतन 29,000 के आसपास मिलेगा। लेकिन यही ये बात है कि जब तक ना कटेगा तब तक, अगर कटने लगेगा, जैसे एनपीएस का क्या होता है, एनपीएस आपका होता है बेसिक 18,000 हो गया आपका, और डीए कितना हो गया इसका 42% निकालिएगा तो आपका 7560 यानी कि 25,560 रुपये यानी 25,560 रुपया हो गया आपका ये दोनों का, बेसिक और डीए जो है आपका मिला के 25,560 रुपया। तो आपका एनपीएस में कितना कटेगा, एनपीएस में आपका कट जाएगा इसका 10% यानी 2556 रुपया आपका, यानी 2,500 रुपया जो है आपका कट जाएगा, यानी 26,613 में से घटाइए 2,500 यानी कि आपको 24,000 समथिंग के रुपया में कम से कम मिनिमम वेतन जो है आपका कट खुट के भी कोई भी पोस्ट पर मिनिमम वेतन जो है आपको 24,000 से ऊपर ही, अब नया ज्वाइन करिएगा तो कटेगा तब पर भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि जो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।